शनि के मंत्र में इतनी ताकत होती है कि रंग को राजा बना दे, कंगाल को धनवान बना दे। शनिदेव का मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप अगले 40 दिनों में 19,000 टाइम्स जाप करें। अगर शनि की साढ़े साथी से भी परेशान हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। शनि मंत्र के बीज अक्षरों की शक्ति ढैया और साढ़े साथी से आपको बचाती है। शनिदेव के इस मंत्र के अलावा दशारथ के लिखे शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि आपके लिए कठोर नहीं रहते। आपको याद होगा मैंने आपसे कुछ दिनों पहले भी रुद्राक्ष पर बात की थी और आपको ये जरूर पता होना चाहिए, और आपको मैंने बताया था कि सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भी शनिदेव को मनाया जा सकता है। जानिए कैसे। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी मैया की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। ये बहुत प्रभावशाली रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को मंडे सैटरडे के दिन गंगा जल से धोकर धारण करने से शनि के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तिल, तेल और छाया पात्र शनिदेव को बहुत प्रिय है। इन तीनों चीजों का दान शनि की शांति का मुख्य उपाय है। अब आपको बताती हूँ कि ये दान कैसे करना है। मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों का तेल लें, उसमें अपनी छाया देखकर उसे दान करें। ये दान शनि के ऊपर पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स को दूर करता है आपके ऊपर और शनिदेव का आशीर्वाद लाता है। आपको तो मालूम ही है कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि रत्न ग्रह की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, वही जड़ी बूटियां ग्रहों की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाती हैं, शनिदेव को खुश करती हैं। उनकी कृपा पाने के लिए धतूरे की जड़ को धारण करने की सलाह दी जाती है। धतूरे की जड़ या छोटा सा टुकड़ा गले या हाथ में बांधकर इसको यहाँ पर आपकी आम पर, बाजू पर या गले में धारण किया जाता है। इस जड़ी बूटी को धारण करने से शनि की एनर्जी पॉजिटिव तरीके से आपको मिलेगी और जल्दी ही आपको जिंदगी में अंतर देखना शुरू हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि घोड़ी के नाल के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय होते हैं। मैं भी आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे एक दर्शक ने मुझसे घोड़े की नाल के सारे उपाय एक साथ बताने की रिक्वेस्ट की है, तो मैंने आपको नाल से जुड़े सात अचूक उपाय बताने का तय कर लिया। तो फिर जानिए क्या है वो। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें काले घोड़े की नाल डाल दें। अब इस कटोरी को अपने सिर से पैर तक सात बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। इससे बुरी नजर भी उतर जाएगी और अगर शनि दोष होगा तो वो भी कम होगा। अपनी लंबाई के बराबर काला धागा लीजिए और उसमें आठ गांठ लगा दीजिए। धागे को तेल में डुबोकर काले घोड़े की नाल पर लपेट लें। शमी वृक्ष के नीचे गाड़ दें। इससे सभी प्रकार के दुख तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। अपने पैसों से किसी भी काले घोड़े के पैरों में नाल लगवा दें। इसे करने से शनिदेव को बहुत प्रसन्नता होती है और भक्त की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। इससे साढ़े साथी और ढैया के अशुभ प्रभाव से भी कमी आती है। काले घोड़े की नाल से एक कील या छल्ला बनवा लें और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे एक लोहे की कटोरी में सरसों के तेल को आप डालकर उसमें छल्ला या कील को डालकर अपना चेहरा देखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखते हैं। इससे शनि दोष में कमी आएगी। अब अगली बार काले घोड़े की नाल का एक काले कपड़े में लपेटकर अनाज रख दें तो अनाज में वृद्धि होती है, और तिजोरी में रख दें तो धन संबंधित लाभ होता है, घर में बरकत बनी रहती है। घर में कलेश रहता हो तो आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, और कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो तो घर के मुख्य द्वार पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में लगा दें। इसके ऊपर आ रही समस्या का हल निकल जाएगा। अगर आपका ऑफिस या दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो लगातार नुकसान हो रहा है, दुकान के मेन गेट की चौखट पर नाल का अंग्रेजी यू के अक्षर के आकार में लगा दीजिए। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और मुनाफा होगा। शनि की साढ़े साथी यहाँ ढैया चल रही है तो किसी शनिवार को काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी विधि पूर्वक दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और साथ ही धन लाभ भी होगा। आइए जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्या हस्बैंड वाइफ के झगड़े सुलझने का नाम ही नहीं ले रहे? रात में सोते समय हस्बैंड वाइफ पलंग पर देसी कपूर और हस्बैंड के साइड पर सिंदूर रखना चाहिए। अगले दिन सुबह सनराइज के समय हस्बैंड को देसी कपूर जला देना चाहिए और वाइफ को सिंदूर को घर में फैला देना चाहिए। कुछ ही दिनों में हस्बैंड वाइफ के आपसी झगड़े पूरी तरह से खत्म होने लगेंगे। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए जो लोग
हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ में या बॉडी में दिक्कत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका बॉडी पार्ट रिप्लेस कराना, जैसे लेग नहीं है तो आर्टिफिशियल लेग लगवा देना, हाथ नहीं है तो आर्टिफिशियल हैग लगा देना, इसका दान करने पर भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो हैंडीकैप्स को अपनी श्रद्धा अनुसार खाना खिलाने से भी आपको शनिदोष से मुक्ति मिलती है। आज का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जान लेते हैं। क्या किसी के अफेयर की वजह से पति पत्नी के संबंध तलाक तक पहुंच गए हैं? बरगद का हरा पत्ता लेकर उस पर लाल चंदन को गंगा जल से घिस कर जिससे अफेयर चल रहा है उसका नाम लिखें। उसके बाद पत्ते को लाल गुलाब की पंखड़ियों से ढक दें और इन सबको बारीक पीस लें। जिसका नाम लिखा है उसके नाम के जितने अक्षर हैं इतने बारीक बॉल्स इसकी बना लें। रोज़ एक गोली नियम से उसके घर के मेन गेट पर छोड़ आएँ। जल्दी ही दोनों के बीच रिलेशनशिप जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, अफेयर इसलिए गलत है क्योंकि दो लोगों की ज़िंदगी ठीक चल रही हो तो तीसरे का आना दिक्कत ही देता है।